लेकिन ये एक कबीर सॉन्ग है जिसकी जड़ एक बौद्ध कथा में है और एक बहुत छोटी सी कहानी है इसमें, एक बहुत ही सरफिरी पंछी के बारे में, जो कि मुझे कमला की स्पिरिट याद दिलाती है। एक बहुत विशाल वन था, जंगल, जहां बहुत पशु पक्षी रहते थे, जिनमें से एक ये सरफिरी बांवली एक चंदन के पेड़ पर रहती थी। एक दिन इस जंगल में एक बहुत विशाल आग टूट पड़ी और बहुत ही तेजी से बढ़ती 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 बहुत बड़ी ज्वाला में बन गई और सभी पक्षी और पशु दौड़ने लगे। लेकिन ये जो सरफिरी पंछी थी वो अपने प्रिय चंदन के पेड़ पे आके बैठी और पेड़ ने पंछी से कहा कि तुम उड़ जाओ, तुम्हारे पास पंख हैं। तो उसने मुड़ के कहा, फल खादा पान बिरोड़िया, रम्या डालो डाल, तम जलो मैं उबरू जिवड़ो कितरीक बार। ये मारवाड़ी की भाषा है और मुझे लगता है कि ये जो आखिरी वाक्य है, जिवड़ो कितरीक बार, ये कमला की स्पिरिट का वाक्य है। आपको जीने का मौका कब और कितनी बार मिलता है, ये जीवन कितनी बार मिलता है, और अगर ये जीवन में आपने प्रेम नहीं किया, मोहब्बत नहीं की, दिलो जान से मोहब्बत नहीं की, लॉन्ग टर्म प्लान्स के साथ नहीं, इस वक्त इसी पल में अगर आपने प्यार नहीं लुटाया तो क्या जिए। तो ये सरफिरी बांवली कमला पंछी क्या क्या किया उसने, वो एक तालाब में जाके उसने डुबकी मारी और फिर आई और इतनी भड़कती विशाल आग, जो कि हमारी दुनिया में आज भी है, हमारे दिलों के अंदर है, उसके ऊपर उसने अपने दो नन्हे से पंख फड़फड़ाए और दो बूंद पानी गिरा, फिर गई तालाब में डुबकी मारी, फिर आई, फिर दो बूंद, फिर गई, फिर आई, फिर दो बूंद, और बाकी पंछी और पशु उसे देख के हैरान, कुछ तो गुस्से में आ गए, कर क्या रही हो तुम? तो उसने जवाब दिया, मुझसे जो बनता है मैं कर रही हूं, आई एम डूइंग व्हाट आई कैन। उस वक्त आकाश में उमड़ते हुए कुछ बादल गुजर रहे थे और उनमें बैठे कुछ देव या बुद्ध या शायद इस कथा को आज कमला की याद में एक ट्विस्ट दिया जाए तो कहें उन बादलों में बैठी कुछ हेलियां, सहेलियां, सखियां उसका दर्द, उसका लगन, उसका जतन देख रहे थे। उनमें से एक आई, उसके आसपास घूमी, देखी और वो रो पड़ी। जब ये देव बुद्ध सखियां रो पड़ी बादलों में तो क्या हुआ? सो आई रिमेम्बर शेयरिंग दिस सॉन्ग विद इन काठमांडू विद वुमेन लीडर्स बीइंग ट्रेन्ड बाय facilitated by Kamla, and in 5 minutes after sharing this song and asking them to remember moments in their life when they have felt like this parrot, this bird, everybody was crying, including Kamla Di, and everybody was sharing, but with such a powerful solidarity that emerged in the room. So, mere liye ye कमला की याद में, और कमला ने उस वक्त कहा भी था, कोई और मदद नहीं करने आने वाला, कोई भगवान, खुद करो। तो देन कमला एंड आई टॉक्ड अबाउट दिस दैट जैसे अभी फिल्म में कमला सेड, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मूवमेंट की गर्माहट है
जो मुझसे करवा रही है. आई थिंक दैट्स द स्पिरिट ऑफ दिस बर्ड एंड दैट जंगल फायर एंड हर करेज टू कीप. पार्वती और मुझे साथ लाने में भी कमला दी का हाथ. सो टुडे इन हर मेमोरी वी आर गोइंग टू ट्राई एंड सिंग टुगेदर सम सॉन्ग्स. यस यस. एंड व्हेन आई मेट शबनम शी कॉल्ड मी हेली. इन मालवी लैंग्वेज इट मीन सखी. सो द टू हेली सिंगिंग फॉर देयर हेली हु इज कमला दीदी. In fact, the refrain of this song is "Ei mhari heli, kin sankarasne, kisse main mohabbat karun?" ये सवाल है. और अंत में कबीर धर्मदास से कहते हैं, "Nit nit navlo ne, nit nit every day, every moment, हर पल में मेरा प्रेम, मेरा मेरी मोहब्बत, मेरा स्नेह नया है. It is of this moment. Ah
Yeah.